अब आप मुझे अन अकेडमी भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैं आपके लिए क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रहा हूँ जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम्स और डीएसएसबी एग्जाम्स को क्लियर करने में आपकी मदद करेंगे और अदर टेट एग्जाम्स को भी। बस आपको करना क्या है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर दीपक कुमार सर्च मारना है, या फिर मैंने आपको ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर भी जाकर चेक कर सकते हो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम जो कि आपका डिजी लॉकर में पहले आपका सीटेट की मार्कशीट और सीटेट का सर्टिफिकेट दोनों आ गया था, और बीच में दोनों में गड़बड़ी होने के कारण सीबीएसई ने दोनों से वहां से आपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट हटा लिए थे। तो डिजी लॉकर में आपके जैसे ही मार्कशीट और या सर्टिफिकेट आने वाला था, मैं आपको ने बताया था कि मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो आपकी जो मार्कशीट आ चुकी है वो डिजी लॉकर पर आ चुकी है, तो उसी बारे में इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो का आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोज फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आपका डिजी लॉकर ऐप में जब भी आपका सर्टिफिकेट या आपकी मार्कशीट आ जाएगी सीटेट की, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपकी मार्कशीट आ चुकी है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए एक बार मैं आपको डिजी लॉकर में लेकर चलता हूं, वहां पर आपकी मार्कशीट आ चुकी है। तो देखो, ये रहा आपका डिजी लॉकर का ऐप। यहां पर वैसे ही आपको जाना है दोबारा तीसरे वाले दूसरे वाले ऑप्शन में, इशूड वाले में, और सर्च वाले ऑप्शन में जाकर आपको ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आपको चेक करना है। तो यहां पर ये रहा ऑप्शन, इसको आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे, तो नीट रैंक लेटर के नीचे आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्कशीट आ रखी है। तो यहाँ पर आपकी जो मार्कशीट है केवल वो आई है, अभी सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो सर्टिफिकेट के लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। मार्कशीट आ चुकी थी तो इसलिए आपको ये छोटा सा क्विक अपडेट देना था कि अगर आपको मार्कशीट आपकी नहीं मिली है फॉर, वैसे तो आपकी मार्कशीट जब आपको जब रिजल्ट अनाउंस होता है, तो रिजल्ट अनाउंस के बाद ही आपको जब चेक करते हो ऑनलाइन, तो वहां पर जाकर जब आप ओपन करते हो तो वहां पर आपकी मार्कशीट ही ओपन होती है। लेकिन आपकी जब डिजी लॉकर लॉग ऐप में इन्होंने अलग से दे रखा है मार्कशीट, तो वहां से भी आपको एक बार डाउनलोड करने में सही रहेगा। ओके, तो यहां पर आप जैसे ही क्लिक करते हो इसके ऊपर, तो आपको लिंक करने के लिए बोलता है अपना आधार नंबर। तो यहां पर आपको लिंक करना होगा आपका आधार नंबर, और फिर यहां से आप अपने आप अपना मार्कशीट जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो पहली बात तो ये होगी आपकी मार्कशीट डाउनलोड करने की। दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं, मार्कशीट के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत सब बच्चों को ये आ रही थी कि उनके जो सिग्नेचर थे वो आपके शो नहीं हो रहे थे मार्कशीट के ऊपर। ओके, तो इस बात की टेंशन मत लीजिएगा, किसी भी बच्चे की मार्कशीट के ऊपर जो सिग्नेचर है वो शो नहीं हो रहा है इस बार। वैसे पहले होता था लेकिन इस बार नहीं हो रहा है, तो आप अपने सिग्नेचर को लेकर परेशान मत होइएगा कि आपका जो पेपर का रिजल्ट है वो थोड़ा सा फेक हो सकता है। नहीं, आपको जो पेपर का रिजल्ट है वो जो मार्कशीट मिलेगी आपको टोटली सही मिलेगी, बस वो रिजल्ट के ऊपर सिग्नेचर नहीं दिया जा रहा है, वो सीबीएसई की पता नहीं इस बार क्या बात है क्या बात नहीं है, बस इस बार जो मार्कशीट है उसके ऊपर आपकी सिग्नेचर नहीं आ रहा है। और दूसरी बात आपकी यहाँ पर ये है कि उन बच्चों को रिजल्ट मिलेगा जो बच्चे फेल हुए हैं या नहीं, तो उसकी अभी कोई कंफर्मेशन मैं आपको नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि अभी भी मुझे किसी बच्चे का जो फेल हुआ है उसका मार्कशीट यहां पर ओपन नहीं हुआ है। ऐसा जहां तक मेरा ख्याल है कि जिस बच्चे फेल होते हैं उनका मार्कशीट देने से कोई फायदा नहीं है। जैसे कि आपको जो क्लासेस में होते हैं वो बात अलग है, फेल बच्चों को मार्कशीट मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो डिजी लॉकर ऐप में सीटेट का है, फेल अभ्यर्थी को मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा मार्कशीट। एक बार चेक करके देख लीजिएगा, मैं कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ आपको। ओके, अगर किसी फेल अभ्यर्थी को अपनी मार्कशीट मिलती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि काफ़ी बच्चों को पता चल सके बाकियों को कि सीटेट में सभी बच्चों को मार्कशीट दी जा रही है या केवल पास बच्चों को मार्कशीट दी जा रही है। ओके, तो ये एक छोटा सा अपडेट था। अगर आपने डाउनलोड नहीं कराया मार्कशीट तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा, और जैसे ही आपके सर्टिफिकेट आ जाएगा तो मैं सर्टिफिकेट का भी अपडेट आपको दे दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, एक छोटी सी क्विक अपडेट देनी थी आपको। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको सीटेट से रिलेटेड, केवीएस से रिलेटेड, डीएसएसबी एग्जाम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट नोट्स या आर्टिकल या फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे, तो चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सारे नोट्सों की, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। ओके, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।